हेलो गाइस, चैनल एग्जाम गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए एनबीएस एलडीसी एग्ज़ाम सीरीज़ का पार्ट 7 लेके आया हूँ, जिसमें हम अंग्रेजी और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 इंग्लिश और 10 हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो जो ये वीडियो या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको मिल सकें, और जो बेल आइकन का उसमें आइकन दिया है बेल का, उस पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप आसानी से वीडियो को एक्सेस कर सकें। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से संबंधित पर्यायवाची शब्द का चयन करो, और शब्द था हमारे पास कटाक्ष, इसका पर्यायवाची बताना था। तो कटाक्ष का पर्यायवाची जो होता है वो होता है टेढ़ी नज़र, इसे इंग्लिश में सरकाज़म भी बोलते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन था कि रात्रि का विलोम क्या है, रात्रि का विलोम शब्द क्या है। तो रात्रि का विलोम शब्द जो होगा वो वासर होगा, वासर का मतलब होता है दिन। ये सब जो है निशा है, ये रात है, ठीक, वासर जो होगा वो इसमें सही होगा, जबकि तमी, रैन, निशा, रजनी आदि इत्यादि जो हैं वो रात्रि के पर्यायवाची है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निर्देश जो है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द का चयन करें। इसमें भी हमको विलोम शब्द का चयन करना था, आदान दिया था, तो आदान का जो होगा वो प्रदान होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक, तो स्त्रीलिंग जो है वो ऑप्शन सी प्रिया स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अखरोट शब्द का तत्सम रूप पूछा गया है, तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप जो है वो ऑप्शन बी अक्षोर है। ठीक, जो संस्कृत से तत्सम का मतलब होता है, जो संस्कृत में जैसा वर्ड आया हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एरर का था, जो कि पार्ट 1 में ये एरर देखी होगी आपने, चोर पुलिस को देख के दोनों ग्यारह हो गया। तो जो एक्चुअल मुहावरा होता है वो होता है 9-2-11, तो यहाँ पर 9 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, तो ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, जनता अपना नेता इसलिए चुनती है ताकि जीवन में क्या आए, खुशहाली आए, ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए, सजावट दे रखा है शब्द और इसका प्रत्यय बताना है। प्रत्यय का मतलब होता है कि जो लास्ट पार्ट होता है वो किस चीज़ से मिलके बना है, किसी भी शब्द का जो लास्ट पार्ट होता है वो प्रत्यय होता है। जैसे ये जो है सज प्लस आवट, ठीक, जो सजावट है वो सज प्लस आवट से मिलके बना हुआ है, तो प्रत्यय, ये प्रत्यय हुआ। ठीक, तो आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये हमको बताना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरूबर बहु छाए, तो जब कोई एक वर्ड, कोई एक अक्षर की जब इसमें पुनरावृत्ति होती रहती है, जैसे ये ता ता, ये ता, ये ता, ये ता, तो ये क्या होता है, अनुप्रास। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का प्रयत्न करना है। मित्र दिया था, ये भी पार्ट वन में क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा? सका, पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अब इंग्लिश से आएंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन ही आते हैं एनबीएस एलडीसी के एग्ज़ाम में हिंदी के, और 10 इंग्लिश के, तो अब जो इंग्लिश में है वो सबसे पहला क्वेश्चन है, द एम्प्लॉय वर कीप इन द डार्क, ये एक ईडियम है, अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक, तो कीप इन द डार्क का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है कि धोखे में रखा गया, कुछ बताया नहीं गया, कीप इन द डार्क मतलब कुछ हिडन रखा गया। ठीक, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 12, इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट फ्रॉम द सेंटेंस, यानी कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है, यूजली द क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इज कूलर फ्रॉम द साउथर्न पार्ट, तो फ्रॉम नहीं होगा, जब कंपैरिजन होता है तब क्या आता है, देन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कॉमन एरर्स है, द फर्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ द टर्म एंड एसोसिएटेड प्रिंसिपल्स, यानी कि ऑफ लगा है तो इसके बाद प्लूरल आना चाहिए, तो ये प्लूरल है ही, ठीक है, वॉज जो है द फर्स्ट फॉर्मुलेशन की वजह से आया है, सिंगुलर है, डन पैसिव में है इसलिए बी थ्री फॉर्म आई है, और बाय जेम्स विंग्स, तो और जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, इसमें नो एरर हो गया। ठीक, अगला सेंटेंस है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ फिंगर्स एंड हैंड्स टू कम्युनिकेट आइडियाज, टेलीपैथी, सिंबोलिज्म, डेक्टोलॉजी और पेडोगोगी, तो इसमें जो ऑप्शन सी है डेक्टोलॉजी वो करेक्ट आंसर है। और टेलीपैथी क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग बिटवीन पीपल माइंड, जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है थॉट का उसको क्या बोलते हैं, टेलीपैथी। और सिंबोलिज्म जो होता है वो आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, और पेडोगोगी जो है आर्ट साइंस या कोई प्रोफेशन हो उसकी टीचिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, वी ऑफर, क्या ऑफर किया, काउंसिल टू ऑल हु आस्क। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, क्या बताना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड, मतलब एंटोनिम्स बताना है इसका, इंटेंजिबल। ठीक, इंटेंजिबल का क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है, इंटेंजिबल मतलब होता है कि कुछ एक तरीके से कि समझ से परे वाला, कि समझ से परे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, PQRS से था, यू फेल टू के बाद वर्ड तो आ ही नहीं सकता और वर्ड भी नहीं आ सकता, तो सीधे सीधे कौन सा आएगा, क्यू वाला ऑप्शन, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, केवल दो ऑप्शन बचे हमारे पास, क्यू पी आर और क्यू आर पी। टू रिकॉग्नाइज डैट इट मैटर्स नॉट, अब मैटर की बात हो रही है कि ये मैटर क्या है। ठीक, वॉट समवन इज बॉर्न एज बट वॉट दे ग्रो बी। ठीक, तो जो नॉट के बाद आएगा, नॉट के बाद वॉट समवन इज बॉर्न एज आएगा सेंटेंस का, जो मैटर है वो किसी के पैदाइश से नहीं है, मैटर जो है वो उसने क्या किया, कैसे वो बड़ा हुआ, ये बाद में आएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, क्यू पी आर, यानी कि ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या क्या है, सिमिलर वर्ड मतलब सिनोनिम्स पूछा है, और वर्ड है हमारा कंसॉर्ट, तो कंसॉर्ट का जो है वो कन्वे होगा, कन्वे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिनोनिम्स। एक्टिव पैसिव से 19 क्वेश्चन है, शट द डोर, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसका जो बनेगा वो लेट द डोर बी शट। ठीक, वी थ्री फॉर्म है,
क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मैं जीएस की वीडियो डालूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। जो करेक्ट वर्ड यूज हुआ है वो है नीलिज्म, बाकी सारे जो है इनकरेक्ट हैं। नीलिज्म का मतलब होता है टेररिज्म, ठीक, आतंकवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, कुछ देर बाद मैं जीएस की वीडियो भी अपलोड करूँगा। ठीक, तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो उसको आंसर भी देख लीजिए और समझिए, एनालाइज करिए उसको। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय।